Hello student, now in this video lesson, we are going to start our next and last lesson of the standard 7, that is lesson number 15, statistics. Yes student, statistics, ye aapko 6th standard mein bhi tha. In 6th standard, in 7, now same lesson, 8, 9 as well as 10th standard. So aapko samajh mein aayega, it is very important because it is connected with all the standards. 6 to 10, each standard में आपको statistics देखना है डिटेल में, लेकिन इसके लिए आपको जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा है उसका भी यूज होगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और बहुत ही सिंपल है. ओनली यहाँ पे इन दिस लेसन आपको सिर्फ दो चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है. फर्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय एवरेज एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. एवरेज आपने वर्ड सुना होगा, जब टीवी देखते हैं या क्रिकेट मैच देखते हैं तो एवरेज स्कोर कितना हुआ, एवरेज रेनफॉल कितना होगा, एवरेज एवरेज, जिसको मैथमेटिक्स में मीन भी कहते हैं. मीन और एवरेज, यहाँ पे आपको वर्ड एवरेज हुआ है, एवरेज यूज हुआ है. नाउ नेक्स्ट स्टैंडर्ड जब आप 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, एवरेज इज कॉल्ड एज मीन. सो व्हाट इज एवरेज, होता क्या है एवरेज एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ये आपको देखना है. एंड नेक्स्ट इज इफ द ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं, इज कॉल्ड एज ए ऑब्जर्वेशन, जिसका भी हम एवरेज निकाल रहे हैं. इफ द ऑब्जर्वेशन और द इंफॉर्मेशन, जिसको स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं डेटा, डेटा मीन इंफॉर्मेशन इन द नंबर फॉर्म. सो इफ द डेटा इज लार्ज देन वी मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आपने देखा होगा लास्ट स्टैंडर्ड में आपने वो टैली मार्क काउंट करते थे ना आप, नंबर 1, 2, 3, हैंडलिंग डेटा या टैली मार्क कैसे. तो आपको वहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. बाय टेक यू हैव गिवन द ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन डेटा इज गिवन. नाउ रीडिंग द डेटा एंड मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओनली टू एक्सरसाइज, फर्स्ट इज ऑफ एवरेज, नाउ सेकेंड इज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके नाउ स्टूडेंट, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के दो, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. सी स्टैटिस्टिक इज अ डिफरेंट अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मेनली क्या होता है स्टूडेंट, 4 चीजें होती हैं. इट इज फर्स्ट स्टार्ट होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, देन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, देन एनालाइजिंग द डेटा, एंड आफ्टर एनालाइजिंग ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा. आप बोलेंगे टीचर आप ये डेटा डेटा वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो. सी स्टूडेंट, डेटा इन मैथमेटिक्स इन स्टैटिक्स, डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन. जो भी आप किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो इन स्टैटिस्टिक्स, इट इज कॉल्ड एज डेटा. और मेनली मोस्टली ये डेटा नंबर के फॉर्म में होता है, न्यूमरिक डेटा होता है नंबर के फॉर्म में. आपने फॉर एग्जाम्पल ये आपने देखा होगा आपने अगर क्रिकेट मैच देखते होगे तो आपने वहां पे देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में कि कैसा इंफॉर्मेशन को टेबल में या ग्राफ में बताते कि फर्स्ट ओवर में कितने रन्स थे. आपने कभी देखा ना ग्राफ, ये ऑल सी स्टैटिस्टिक्स में डेटा इंफॉर्मेशन, उसको क्लासिफिकेशन बहुत मेथड से कर सकते हैं इन द टेबल फॉर्म, जैसे हमने अभी देखा है, देखने वाले हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. द डेटा इज क्लासिफाइड इन टू अ टेबुलर फॉर्म मीन्स टेबल के फॉर्म में, देन अगेन डायग्राम फॉर्म में. आपने देखा होगा सर्कल जो होता है कि कितने रन ऑफ साइड होते हैं, लेग साइड होते हैं सर्कल में, उसको कॉल आता है पाई डायग्राम. देन ग्राफ, आपने लास्ट ईयर भी देखा है ग्राफ है ना, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ज्वाइंट बार ग्राफ, नेक्स्ट आपको सीखना है परसेंटेज बार ग्राफ. ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, मतलब डेटा का क्लासिफिकेशन है टेबल, ग्राफिकल, डायग्रामेटिक फॉर्म. ओके नो, फिर इस पर से कंक्लूजन निकालना ऑल. तो डेटा मीन्स द इंफॉर्मेशन वी कलेक्टेड. अगेन इट इज द टू टाइप, अभी आपको ही नहीं है कि टू टाइप के डेटा होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, कि इंफॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट करके लेके आए या कहीं से रेडीमेड लेके आ गए, उस पर डेटा का क्लासिफिकेशन होता है. ये ऑल आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में सीखना है. नाउ हियर ओनली आपको डेटा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि गिवन डेटा जो होता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन और भी क्या बोला जाता है स्कोर, रीडिंग जो आपको मेंशन होता है आपके बुक में. आपको यहाँ पे डेटा कलेक्ट नहीं करना है, रेडीमेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, बस आपको उस डेटा का इंफॉर्मेशन का एवरेज निकालना है. एवरेज सी स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे मेनली क्या सीखना है एवरेज.
which is also called as mean or arithmetic mean. ये आपको आगे है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ड उन्होंने यूज किया है ओनली एवरेज. सो वट इज एवरेज? एवरेज क्या होता है? सी स्टूडेंट, सपोज टेक वन एग्जाम्पल. एक वन वीक फ्रॉम मंडे टू संडे, हाउ मेनी डेज? 7 days. ओके, ठीक है. यहाँ पे आपका ही एग्जाम्पल लेंगे जो आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है. संडे को तो स्कूल को हॉलीडे होती है. नाउ मंडे टू सैटरडे, हाउ मेनी डेज? 6 days. सपोज आप 6 days स्कूल को बाय साइकिल जाते हो, या बाय ऑटो, या बाय बस, किसी भी. आप कभी टाइम फ्रॉम योर होम टू स्कूल, सपोज आप बाइसिकल पे जाते हो, तो हो सकता है समटाइम आपको 20 मिनट्स लगेंगे आप स्कूल पहुंच जाए. समटाइम कभी स्पीड स्लो या कुछ भी प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, या आप लेट निकलोगे तो समटाइम आपको, या आप जल्दी पहुंच गए, ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप 15 मिनट में पहुंच जाएंगे स्कूल को. समटाइम इफ यू टेक थोड़ा ज्यादा होगा, 20 मिनट होगा, कभी 24 मिनट होगा, कभी 21 मिनट. तो क्या होता है, ये टाइम जो हमारा जो रीडिंग है कम ज्यादा होती है, कभी ज्यादा कभी कम, है ना. कि एग्जाम्पल किया है कि मंडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और 6 डे स्कूल, है ना. तो मिनट, तो इन फर्स्ट डे मंडे को 20 मिनट लगा, ट्यूजडे को भी 20 मिनट में हम स्कूल पहुंच गए. नाउ वेनसडे इट टेक 22 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा, 22 मिनट लगा. थर्सडे 18 मिनट में ही पहुंच गए. फ्राइडे अगेन 18, सैटरडे अगेन 20. सम नंबर्स आर रिपीटिंग, सम ज्यादा है, कभी कम है या कभी सेम है. तो हम बोलेंगे तो एवरेज मिनिमम कितना लगा, कभी ज्यादा लगा कभी कम लगा, लेकिन मिनिमम कितना लगा एक दिन में, एक टाइम पे पहुंचने के लिए कितना कम से कम लगता है, उसको कहते हैं एवरेज. मिनिमम कितना लगेगा ही, हाँ कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है, लेकिन मिनिमम सबका एवरेज निकालेंगे कि इतना टाइम लगता है एवरेज स्कूल घर फ्रॉम होम टू स्कूल. तो हाउ एवरेज फॉर्म? नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, मंडे टू सैटरडे. वो सब जो मिनट है ना सबका हम एडिशन करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको बाय नंबर ऑफ डेज. हाउ मेनी डेज? कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? 6. तो मिनट, ऑल मिनट का एडिशन डिवाइडेड बाय 6, इट गिव्स यू एवरेज. वो क्या देगा आपको? एवरेज. तो हाउ एवरेज इज कैलकुलेटेड? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज? स्टूडेंट ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है एवरेज फॉर्मूला. एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स, स्कोर मीन्स रीडिंग जो आपको ऑब्जर्वेशन होता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर. हाउ मेनी स्कोर्स? इसको डिवाइड करेंगे. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे उन्होंने सी मंडे ट्यूजडे, मंडे को 20 मिनट, ट्यूजडे को 20 मिनट, वेनसडे को 22 मिनट, देन थर्सडे 18, फ्राइडे 18 एंड सैटरडे 20. हाउ मेनी डेज? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो डिवाइडेड बाय 6 एंड सबका एडिशन करेंगे 20, 20, 22, देन 18, 18, 20. नाउ ऐड स्टूडेंट, 8 और 8, 16, 17, 18, कैरी 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 108. उसको डिवाइड करना है 6 से. ऐसे भी कर सकते हो आप, 6 के टेबल में तो 11 नहीं होता है, तो 6 के स्मॉल और 12 ज्यादा होता है, तो 6 1 6, 11 माइनस 6, 11 में से 6 माइनस हो गए 5. और नेक्स्ट नंबर 8, 58. इन द टेबल ऑफ 6 नो 58, 54 इज देयर. 16, 6 9 54, माइनस
8 minus 4, 4. 5 minus 5, 0. Now 4, 6. See student, 6 is bigger, ये smaller है. तो हम point लेकर 0 लेंगे. आता ना decimal का. If remainder is smaller, then take the decimal point and 1, 0. ये decimal point क्या करता है हमें? Each time 0 देता है. ताकि हम remainder को big कर सके. Now 40, in the table of 6, no. 6, 6 are 36. Again, 40 minus 36, 4. और हम 0 लेंगे, तो यही आएगा. 6, 6, 6 continue होगा. So, its average is 19.66. आप बोलोगे, teacher, ऐसे कैसे मिनट लगते हैं? See student. कभी 20 मिनट लगेंगे, कभी 18 लगेंगे, कभी 22 लगेंगे. लेकिन average कितना आएगा? 19.66. इतना minimum लगेगा. Each day आपको स्कूल को पहुंचने के. ओके, सी एवरेज मतलब ज्यादा कम या उतना ही रहेगा ना, तो बीच का मिनिमम कितना होगा, उसमें ज्यादा भी नहीं ले सकते कम भी नहीं, दोनों को ऐड करके जितने होगा उसको डिवाइड करेंगे, इट गिव्स यू एवरेज. एवरेज मीन लार्ज और स्मॉल, बीच का, सिंपल वर्ड, मिनिमम, नॉट मोर. हाईएस्ट भी नहीं लेना है, लोएस्ट भी नहीं लेना है. एवरेज मतलब ना एवरेज है, ना ज्यादा ना कम, एवरेज. ओके, सो इन दिस वे एवरेज इज कैलकुलेटेड. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज? एवरेज इज सम. सम मतलब एडिशन ऑफ ऑल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट डाउन इन यूर नोटबुक. द एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल, यू कैन राइट स्कोर और यू कैन राइट ऑब्जर्वेशन, वो भी चलेगा. बट हियर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज ए स्कोर और यू कैन राइट ऑब्जर्वेशन ऑल्सो. ओके, आपके बुक में जो है आप वो लिख सकते हो, बट बोथ आर करेक्ट. सो हियर व्हाट इज गिवन? सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर. What is average? Sum of all score divided by total number of score. Is that clear, student? तो आपको average find करना है. Average बीच का, not maximum, not minimum, ना कम ना ज्यादा, बीच, average. Is that clear? Okay. Now move to direct practice set number. Or now see student. Suppose 3 conjugative number है, 2, 4, 5. If 3, ये आपके लिए बता रही हूं, 2, 3, 4. If the set of 3 number है, मतलब odd number है, 3 है, 5 है, so average क्या होता है मालूम है student? Middle number होता है. So 2, 3, 4 में average क्या आएगा? 3 आएगा. चेक करना है आपको, चेक करके देखेंगे. मैं डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेटिंग मैं बता सकती हूँ कि इफ थ्री नंबर्स आर देयर कॉन्जुगेटिव, तो मिडल नंबर इज एवरेज. डायरेक्ट हम बोलते हैं एवरेज 3. आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो. एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सबका एडिशन, 2 + 3 + 4, एंड हाउ मेनी नंबर? 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 3. तो कितना होगा? 2, 3, 5, 9. 9 upon 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 आ गए, है ना? मैंने तो विदाउट कैलकुलेटिंग आपको पहले ही बता दिया कि 3 आएगा. नाउ इफ 5 आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, सो जो मिडल होगा, अगेन 3 इज द एवरेज. सपोज 11, 12, 13, 14, 15, हाउ मेनी नंबर? 1, 2, 3, 4, 5. तो व्हाट इज द एवरेज? सेंटर का होगा. सी 13 के पहले दो है, 13 के बाद में दो है, तो 13 इज द मिडल नंबर, सो इट इज द एवरेज. तो जो ऑड नंबर होगे, 3 का ग्रुप होगा, 5 का ग्रुप होगा, 7 का ग्रुप होगा, 9 का ग्रुप होगा, तो बीच का नंबर क्या होता है? एवरेज होता है. फॉर ऑड ऑड सेट मिडल नंबर इज एवरेज. और अगर सपोज 1, 2, 3, 4, अब इसमें तो बीच का नंबर नहीं है ना स्टूडेंट, एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा?
कोई भी नहीं, क्योंकि टू यहाँ पे दो होते हैं, यहाँ पे वन होते हैं, बीच सेंटर में नहीं है टू, ना कि थ्री सेंटर में है। तो यहाँ पे अगर इवन नंबर है, टू का बंच है या फोर का बंच है या सिक्स का बंच है, तो वहां पे हमें मिडल नंबर नहीं मिलेगा। फिर उसका एवरेज कैसा रहेगा, यहाँ पे बीच में दो टर्म आएंगे, ये दोनों भी सेंटर में है, तो इनका एडिशन करके हाउ मेनी, दो नंबर है तो टू से डिवाइड करेंगे, तो इट इज 5/2, तो एवरेज आएगा 2.5। ये आपको नहीं है, सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ। अगर ऑड नंबर है, थ्री का बंच है, फाइव का बंच है, सेवन का बंच है, तो मिडल नंबर इज है एवरेज। और अगर इवन नंबर है, फोर का बंच है, एट का बंच है, सिक्स का बंच है, तो वहां पे तो मिडल नहीं मिलेंगे, दो मिडल मिलेंगे, उन दोनों का मीन लेंगे, वो मीन होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ आपके बता देना, टेल मी द व्हाट विल बी द एवरेज, इसका एवरेज क्या होगा विदाउट कैलकुलेशन। यस, आप बोलोगे मिडल नंबर 22 होगा एवरेज। नाउ टेल मी, अब क्या होगा एवरेज, कैसे एवरेज होगा। अब यहाँ पे तो सेंटर में एक भी नंबर नहीं है, है ना, एग्जैक्टली सेंटर के, इसके पहले भी उतने हो, उसके बाद भी उतने हो, ऐसे तो कोई नहीं है। तो ये दीज टू आर मिडल 22, 23, इसको टू से डिवाइड करेंगे, एडिशन कितना आता है 45 को टू से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 1 रिमेनिंग अगेन डेसिमल पॉइंट, 2 5 10, तो 22.5 इज द एवरेज। सी, आप कभी कभी बोलोगे स्टूडेंट एवरेज फ्रैक्शन में क्यों आता है टीचर। यस स्टूडेंट, अगर कोई भी हो, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है कि सपोज एवरेज रन कितने हैं, तो हमारा एवरेज रन ना 2.40 something रन, तो कभी ऐसे नहीं फाइंड करते, रन 1 2 3 100 होल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होता है, लेकिन एवरेज किसी का भी फ्रैक्शन में आ सकता है। इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, हम सिर्फ ये अंदाजा निकाल रहे हैं कि एवरेज इतना ईच मैच में उन्होंने रन निकाला है, एवरेज इतना साइकिलिंग के लिए मिनट्स लगा है फ्रॉम होम टू स्कूल, इट इज नॉट द एग्जैक्ट, ये एवरेज एक अंदाजा एवरेज है कि इतना मिनिमम लगता है टाइम फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम होम टू स्कूल, इट इज नॉट द एग्जैक्ट। आप फ्रैक्शन में मिनट नहीं आता है, 22 मिनट लगा होगा, कभी 18 लगा होगा, लेकिन एवरेज कितना लगता है, इट इज, ये फ्रैक्शन में आ सकता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। सो सी, एक्चुअल जब हम प्रैक्टिस कब करते हैं तो वो नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगेन वन एग्जाम्पल इज गिवन इन यूर बुक के, नंबर ऑफ जम्प्स, स्कीपिंग करते हैं ना जम्प, स्कीपिंग रोप से, तो जम्प कितना किया है, एवरेज आपको निकालना है। इट इज गिवन 7 days उसने जम्प किया है, लेकिन उसका एवरेज सी स्टूडेंट 60.42 आया है। आप बोलेंगे टीचर ऐसे कैसे जम्प किए, 60 जम्प करके आधा पॉइंट जम्प किए, ऐसे तो जम्प नहीं किया होगा, कभी 60, कभी 62, कभी 63, लेकिन एवरेज फ्रैक्शन में आ सकता है। इट इज नॉट द एक्चुअल जम्प, एवरेज जम्प, इज दैट क्लियर। क्योंकि नॉर्मली जम्प हम 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 60 करेंगे, 40 करेंगे, नॉट पॉइंट पॉइंट, ओके, बट एवरेज कैन बी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसका टेंशन लेना नहीं, क्या रॉन्ग होगा, नो स्टूडेंट, फ्रैक्शन एवरेज फ्रैक्शन में भी आ सकता है और फ्रैक्शन में नहीं भी आ सकता है। इज दैट क्लियर। ओके, नाउ डायरेक्ट मूव टू द प्रैक्टिस सेट नंबर 54, इन दैट वी विल सी हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन।